हीरा में आपके दरबार का, आपके दरबार का सारी पेड़ के नीचे पर जोर आमी से बर्तन जागी रेते दूर दूर दरगाह के ऊपर का छत भी जागी राता दूर दूर जागी राता दूर दूर पत्थर के नीचे जो ठहरे पेड़ के नीचे जो ठहरे सामने उनकी दादियां सारी गिरी पर उन पे एक भी ना गिरी एक सदा सरकार के दरबार में यूं गूंज उठी सैयदी इकरार शादी दोस्ती है यारों की सैयदी इकरार शादी दोस्ती है यारों की सैयदी इकरार शादी दोस्ती है यारों की नाम से सरकार के सारा तूफान दूर हुआ यानी आका के इशारे दरबार में एक बाप जो था वो अपने दिल से साहबे मजार की बारगाह में खिदमत भी करता था और दरगाह के अतराफ का कचरा साफ कर किया करता था और वो जानवर इतना सरकार का वफादार था कि सरकार की बारगाह में आने वालों को किसी भी तरह की तकलीफ भी नहीं देता था। और एक बात ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बखूबी जानते हैं कि जंगल में बेशुमार रास्ते हुआ करते हैं, जंगल में बेशुमार रास्ते हुआ करते हैं और जिसे जंगल में उससे पहले जा करके आने आया हुआ शख्स हो वही जंगल में सही रास्ता पकड़ करके घर आता है, वरना रास्ते बेशुमार होते हैं, रास्ता पहचानना मुश्किल पड़ जाता है। अब ये जो जानवर था सरकार का जो खादिम था ये और काम ये भी करता था कि जो लोग सरकार की बारगाह में खराजा वेतन पेश करने के लिए आया करते थे तो ये अगर वो लोग रास्ता भूल जाते रास्ता भूल करके दूसरी की जानिब रुख कर लेते तो ये बाप जो था उस रास्ते में उनके सामने जाकर के बैठ जाता था, इसलिए ये बैठा था कि मुझे देख करके ये लोग रास्ता बदल दें और सही रास्ते पर चले जाएं, इस नियत के साथ वो जाकर के उनके सामने बैठ जाता था और जो जाहिरी जाने वाले होते थे बाप को देख करके वहां से अपनी बैलगाड़ी का रुख बदल कर फिर सही रास्ते पर चले आते थे। और
इसकी आखिरी हाजिरी जो थी मेरे समझ के हिसाब से, अल्लाह बेहतर जाने, सरकार जाने, सरकार का वो खातिम जाने, 27 रजब की तारीख थी 1996 ईस्वी में, रात के करीब 11:30-12 बजे के करीब वो जानवर सरकार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आया और दरबार में जाकर के अपने अंदाज में गिड़गिड़ा करके नजराने पेश करने लगा, अपनी फरियाद पेश करने लगा। और जो करीब में शेर अली साहब थे उनके पास उस वक्त वो रुद्रैया स्वामी जो पड़ोस में ज़िरात करता है वो भी उनके साथ था उस वक्त में, दोनों मिलकर के बैठे थे। अचानक दरबार से बाघ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो ये दोनों घबराने लगे और फिर शेर अली साहब ने दिल को मजबूत किया और यकीन सरकार इकरार शाह हुसैनी अली रहमतुल्लाह पर किया, उन पर भरोसा किया और जो स्वामी थे उनको रहाना गया, वो डर के मारे वहां से भाग करके घर चले गए। जब सुबह हुई तो हमने दरगाह में हम पहुंचे। ये वाकया मुझे इसलिए याद है कि उसी वक्त हमारी बड़ी बहन हीरे के रूप में इमामत के काम अंजाम दे रहे थे, वहां से वो निकले थे उनका सामान लेने के लिए। हमारे बाबा हीरे के रूप गए थे, वो जब लेकर के आ रहे थे उस वक्त ये वाकया पेश आया दरबार, इसीलिए मैंने उसकी तारीख भी याद रखी और इसमें उसको भी जमाया। शेर आपको सुना रहा हूं, मुलाहिजा कर ले। सैयदी किरार शादा बाप या मशहूर है, सैयदी किरार शादा बाप या मशहूर है, बाग जिनके दर का देखो खादी में मजार है, खादी में मजार है, अपनी तुमसे साफ कर था मजार बाग को, अपनी तुमसे झुकाए बैठा रहता था मजारे पाक को, था मजारे पाक को, एक घना जंगल था प्यारे साहबे मजार में, एक घना जंगल था प्यारे साहबे मजार में, डरते डरते आते थे लोग साहबे मजार में, साहबे मजार में, भूल जाते थे मुसाफिर रास्ता दरबार का, देता था पता वो साहबे सरकार का, साहबे सरकार का। 27वीं रजब की शब थी 1996, 27वीं रजब की शब थी 1996, बागी की वो हाजिरी थी हाजिरी सरकार में, हाजिरी सरकार में, जाके दर पे इस तरह से गिड़गिड़ा के मतलब आपकी खिदमत में अर्ज है समाज।